हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका आपने खूब यूज किया है। जब भी बारिश का मौसम आए सोचते हैं चलो आज पकौड़े बनाते हैं। तो पकौड़े स्वादिष्ट हों, किसी हों, उसके लिए हम उसके अंदर एक चीज डालते हैं। कौन सा नाम हम गांव में लेते हैं, शहरों में लेते हैं कि मीठा सोडा लेके आओ, वो डालते हैं उसके थोड़े। और अगर हम उसको साइंस के वे में देखें तो मीठा सोडा क्या है हमारे वास्तव में? बेकिंग सोडा। क्या ये एक बेकिंग सोडा है जो खाने की वस्तुओं में पड़ के उनको थोड़ा सा स्वादिष्ट बना देता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये बेकिंग सोडा है क्या, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, और ये बनता कैसे है, और फिर इसका यूज हम एक खाने के अलावा भी कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो केमिकल नेम क्या है उसका और केमिकल फार्मूला। बेकिंग सोडे का केमिकल जो फार्मूला है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है कि कॉमन नेम है इसका। अगर इसका केमिकल नेम देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम NaOH, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है इसका केमिकल फार्मूला, और बेकिंग सोडा क्या है इसका कॉमन नेम। तीन चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं, बेकिंग सोडा कॉमन नेम है, केमिकल फार्मूला NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या है, बनता क्या है, बनने में क्या हो रहा है इसका। जब हम NaCl, पहले बड़े टॉपिक के बाद हमने फिर लिया है एज ए रॉ मेटीरियल्स, जिसे हम एक और नई चीज यानी कि बेकिंग सोडा बना रहे हैं, वो क्या है हमारे पास में सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया। सोडियम क्लोराइड जब अमोनिया के साथ क्रिया करता है किसकी प्रेजेंस में, वाटर एंड CO2। क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन, व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड CO2 देन वी विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। हमें यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं, एक तो क्या मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब हमारे पास जो चीज हमें बनानी थी वो हमारे पास मौजूद है। इस प्रोसेस के द्वारा हम बेकिंग सोडा तैयार करते हैं। अब अगर इसका यूजेस देखें, बेकिंग सोडा एज खाना बनाने के तो काम आ ही रहा है, खाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। सेकेंड थिंग एंटासिड, एंटासिड एसिड के विपरीत काम करने वाले, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो ये एंटासिड कैसे काम करता है हमारे शरीर के अंदर, यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए तो हम इरिटेट होते हैं, हमारे स्टोमक के अंदर पेन होता है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड के रूप में थोड़ा सा बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ समय के बाद हमें दिखता है कि हमारे पेट में जो था वो पेन खत्म हो गया है। बेकिंग पाउडर बनाने में आपने देखा वो कई बार आपको कोई भी रेसिपी आती है उसके अंदर बेकिंग सोडे की बजाय बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करवाते हैं। अब वो बेकिंग पाउडर क्या है, यदि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा एक बेकिंग सोडा है उसको अगर हम खाने में मिला के ज्यादा मात्रा में मिलाकर उसको हीट कर दें तो जो खाने का स्वाद है वो थोड़ा सा बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। क्यों, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे अकेले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडे में बदल जाता है, और वाशिंग सोडे का जो टेस्ट होता है वो कड़वा, यानी कि अगर आपने किसी केक में मिलाया है ज्यादा बेकिंग सोडा मिला दिया उसकी जगह पे तो क्या हो जाएगा, जो आपका केक है वो थोड़ा सा कड़वेपन में आ जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम उससे एक नई चीज बनाते हैं बेकिंग पाउडर, जिसका हम इस्तेमाल करके अगर केक ब्रेड बनाते हैं तो काफी टेस्टी बनते हैं और कड़वापन भी नहीं होता। फिर आता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो अग्निशमन यंत्र है, आग बुझाने वाला यंत्र है, उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या कोई आपको आर्स्टिंग हो जाए, यानी कि कोई भी आपको किट काट लेता है, जैसे आपकी भेड़ ततैया जो होते हैं वो काट लेते हैं। अब दो अलग अलग चीज है, अगर आपको बी स्टिंग हुआ है कि मधुमक्खी ने काटा है तो हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करवाते हैं, परंतु अगर वास्प काटता है तो वो हमारे शरीर में बेसिक सॉल्यूशन इंजेक्ट करता है, उस समय हम कोई एक एसिडिक चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
दूसरी चीज अभी मैंने बताया था कि इस बेकिंग सोडा और एक बार डिफरेंस आता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। बेकिंग सोडा जो है खाली एक सिंगल कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, परंतु अगर हम बेकिंग पाउडर देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन यानी बेकिंग सोडा तो है ही, उसके साथ में एक टार्ट्रिक और सिट्रिक कोश, एक इडिबल सॉलिड जो आपके एसिड्स हैं उनमें से एक और इसके साथ होता है, जब मिलकर ये क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, बेकिंग सोडा केमिकल फार्मूला, NaHCO3 केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर उसका फॉर्मेशन कि वो जब सोडियम क्लोराइड अमोनिया के साथ क्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड CO2 तब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, और उसके बाद में फिर उसका हमें यूज एज एंटासिड, एज बेकिंग पाउडर बनाने में, खाना बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में, और फिर हमने एक डिफरेंस देखा है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का कि बेकिंग सोडा क्या एक सिंगल कंपाउंड है, आपको दिख ही रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड है, परंतु बेकिंग पाउडर के अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में टार्ट्रिक या सिट्रिक एसिड इसके अंदर मिलाया जाता है, जो कि आपके ब्रेड और केक के अंदर जब ये डलता है तो उसको काफी टेस्टी बनाता है और उसको स्पंजी बनाता है, जब आप देखोगे खाके तो उसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। यदि बेकिंग सोडा ज्यादा डला तो फिर उसका टेस्ट क्या हो जाता है, बीटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आज का हमारा टॉपिक था बेकिंग सोडा। ओके थैंक्स स्टूडेंट्स।